शिखा, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम चीज कॉर्न मोमोज बनाएंगे। चीज कॉर्न मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच तेल डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे, हम तेल सिर्फ एक चम्मच ही डालेंगे, इससे ज्यादा तेल नहीं डालेंगे। अब इसमें पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब इसे थोड़े से तेल से कोट कर लेंगे जिससे डो सूख ना जाए। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम मोमोज की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक सॉस पैन लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें करीब एक ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। पानी को उबलने देंगे। अब हम 1/4 कप स्वीट कॉर्न लेंगे। वैसे तो ये मार्केट में मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप मकई के दाने निकाल कर कुकर में पानी और नमक के साथ उबाल सकते हैं। हम इन्हें कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लेंगे। देखिए, पानी उबल चुका है। अब हम स्वीट कॉर्न को पानी में डाल देंगे। हम इसे ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उबालेंगे। दो मिनट हो चुकी हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे छानकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। देखिए, इसका सारा पानी निकल चुका है। अब इसे एकदम ठंडा होने देंगे। देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब इसे पीस लेंगे। इसके लिए एक चॉपर लेंगे। अब स्वीट कॉर्न को चॉपर में डाल लेंगे। स्वीट कॉर्न पिस चुके हैं। देखिए, हमें स्वीट कॉर्न को इतना ही दरदरा पीसना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन याद रहे, इसको हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, 3 ग्रेटेड चीज क्यूब्स
जैसे सब ग्रेटेड लहसुन की कलियां, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और सभी को मिला लेंगे। फिलिंग बन चुकी है, अब हम मोमोस बनाएंगे। इसके लिए एक बार डो को देख लेते हैं। देखिए ये हल्का सॉफ्ट ही बना है, ज्यादा टाइट नहीं बना। अब इसे दोबारा से गूंथ लेंगे। दोबारा से इसलिए गूंथ रहे हैं जिससे इसे बेलते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो और लोई भी एकदम गोल बने। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां बन गई हैं, अब इन्हें बेल लेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसे मैदे में कोट कर लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। और इसको मोमोस की शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब इसके दोनों एंड को जोड़कर इसे एक मोमोज की शेप देंगे। मोमो बन गया है, अब इसे एक प्लेट पर रख देंगे। इसी तरीके से बाकी मोमोज भी बना लेंगे। हमने मोमोज को इस शेप में बनाया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में बना सकते हैं। सारे मोमोज बनकर तैयार हैं, अब इन्हें स्टीम कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें स्टैंड रखेंगे, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। अब पानी को गर्म होने देंगे। अब एक जालीदार प्लेट लेंगे, आप इसकी जगह छलनी का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पानी भी उबल चुका है, अब गैस धीमी कर देंगे। अब प्लेट को कढ़ाई में रख देंगे और मोमोज को एक एक करके प्लेट पर रखते जाएंगे। अब इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। मिनट हो चुकी है, अब इसे खोलकर देख लेते हैं। मोमोज बन गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। चीज कॉर्न मोमोज बनकर तैयार है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इसे शेजवान चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो नंबर 46 देख सकते हैं, उसमें मैंने वेज मोमोज बनाए हैं, वो भी काफी टेस्टी होते हैं।
आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।